नौकरी करें या व्यवसाय करें तो किस क्षेत्र में करें, इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढने में लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई बार एक ही क्षेत्र में काम करते हुए लोगों को लगता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, आपको कभी कभी ये महसूस होता है कि शायद इससे भी अच्छा कोई काम मेरी जिंदगी के लिए बना हुआ हो, लेकिन मैं कहाँ पड़ा हूँ जहाँ मुझे सुकून भी नहीं है और मन मुताबिक पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन किसी मजबूरी बस आपको करना पड़ रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार किस क्षेत्र में काम करें जहां आपको आपके मन मुताबिक सुख भी मिले और समृद्धि भी मिले। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम होम जप तप के द्वारा मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। कई बार व्यक्ति पारिवारिक आर्थिक और सामाजिक कारणों के कारण अपने करियर की शुरुआत सही तरीके से नहीं कर पाता, यानी अपनी मर्जी से नहीं कर पाता। वह परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अपने काम को करता रहता है, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो। कुछ सालों तक काम करने के बाद जब उसे काम में संतुष्टि नहीं मिलती, उसे एहसास होता है कि काम में संतुष्टि भी नहीं मिल रही है और मुझे धन का भरपूर लाभ भी नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में वो अपने नए करियर की शुरुआत के बारे में ऑप्शन चुनने की कोशिश करता है कि मैं किस क्षेत्र में काम करूं। तो ऐसे में उसे चुनाव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि उसे किस क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए, और ऐसा सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें उसे संतुष्टि भी मिले, धन का लाभ भी मिले और इंजॉय भी कर सके वो जिंदगी का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली को देखकर कि यह बताया जा सकता है कि आपके करियर की शुरुआत किस क्षेत्र में हो सकती है, आपको नौकरी करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए तो किस क्षेत्र में नौकरी करना चाहिए और व्यवसाय करना चाहिए तो कौन सा व्यवसाय आपके लिए अच्छा होगा, उचित होगा, जिसमें आप सफल हो सकें। क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रह यह तय करते हैं कि आपके करियर का चुनाव किस तरफ जाना चाहिए। वो ग्रह बताते हैं, चुनाव करते हैं ग्रह कि आपका करियर कहाँ सफल होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने जन्म कुंडली को देख करके अपने करियर की शुरुआत की है और वो उसमें सफल भी हुए हैं। कि जैसे जन्म कुंडली उठा करके अगर देखा जाए तो सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो या दशम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, लग्न का स्वामी दशम में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति व्यवसाय करते हैं। दशम का स्वामी भाग्य में बैठ जाए तो व्यवसाय से भाग्य चमकता है, दशम का स्वामी एकादश में बैठ जाए या एकादश का स्वामी इनकम भाव का स्वामी दशम में बैठ जाए तो दशम व्यापार का कारक होता है, कर्म का कारक होता है, तो व्यवसाय से ऐसे लोगों का करियर बनता है। लेकिन कौन सा व्यवसाय किया जाए इसके लिए ग्रहों का विवेचन करना जरूरी होता है। वैसे ही नौकरी करने वाले लोग, लग्न का मालिक दशम में बैठता है तो यह कर्म की तरफ भी प्रेरित करता है कि व्यवसाय में किसी प्रकार के बिजनेस में नौकरी करते हैं। लेकिन दशम का मालिक लग्न में बैठ जाए, लग्न में सूर्य उच्च का बैठ जाए, मंगल उच्च का बैठ जाए या पंचम भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी दशम में बैठ जाए तो लोग अच्छी नौकरी करते हैं, सत्ता में काबिज होते हैं, प्रशासन में नौकरी करते हैं, कहीं कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, ऐसी पोस्ट पर काम करते हैं जहां उनके नीचे 100-200-500 लोग काम करते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में जो नौकरी करते हैं उनके ग्रह इस बात की सूचना देते हैं कि आपको किस क्षेत्र में नौकरी करना होगा या किस क्षेत्र की नौकरी में आपका करियर बन सकेगा। जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अगर कर्म का कारक हो गया आपके, तो आपको राइटिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, लेखन के कार्य में बहुत अच्छी तरक्की होगी आपकी, आप मीडिया के क्षेत्र में जाइए, पत्रकारिता करिए, अच्छी संस्था में नौकरी करिए, कमीशन एजेंट का, किसी भी प्रकार के एजेंट का काम आप कर सकते हैं, क्योंकि वाक चातुर्यता बढ़ जाती है ऐसे लोगों की। वैसे ही ये तीसरे भाव का हमने बताया, वैसे ही चौथे घर का स्वामी अगर कार्य का स्वामी है आपके, कर्म का स्वामी है, तो आप जगह जमीन वाहन का काम कर सकते हैं, भूमि के लेन देन का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में जा सकते हैं। पांचवें घर का स्वामी अगर कर्म के क्षेत्र का मालिक हुआ तो आप एजुकेशन से संबंधित किसी भी संस्था का काम शुरू कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आप किसी भी प्रकार का काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको। अब यहीं पर जो लोग कानूनी सलाहकार बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं या सरकारी वकील बनना चाहते हैं या कानून के किसी भी क्षेत्र में वो कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का सप्तम घर और दूसरा घर मजबूत होना चाहिए। और वहीं सप्तम घर और दूसरा घर मजबूत होता है तो ऐसे लोग इस क्षेत्र के साथ साथ विवाह से संबंधित, जैसे मंगल कार्यालय बनाते हैं या विवाह से संबंधित अनेकों प्रकार के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वैसे ही जगह जमीन या प्रॉपर्टी में
व्यवसाय करने को उत्सुक व्यक्ति, ज्वेलरी में व्यवसाय करने को उत्सुक व्यक्ति, डायमंड लाइन में या रत्नों से संबंधित जो व्यवसाय करते हैं, उनके जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी बलि होता है। दशम भाव में अगर एक से अधिक ग्रह बैठे हुए हों तो उसमें जो ग्रह ज़्यादा बलवान होगा वह अपना काम करवाएगा व्यक्ति को, और वही काम करना चाहिए व्यक्ति को जन्म कुंडली के अनुसार, क्योंकि उसमें ही सफलता ज़्यादा मिलेगी। वैसे ही प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने को उत्सुक जो भी व्यक्ति हैं उन्हें ये चाहिए कि जन्म कुंडली दिखा दें। जन्म कुंडली में लग्न में उनका कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, रवि बैठा हुआ है उच्च का, मंगल बैठा हुआ है उच्च का, या कौन सा ग्रह बलवान है लग्न में, उसके अनुसार वो IAS बन सकते हैं, IRS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IFS बन सकते हैं। वो किसी भी प्रशासनिक सेवा में वो बड़े आराम से नौकरी पा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं जो अलग अलग भावों को दर्शाते हैं। अब अलग अलग कामों में रुचि रखने वाले व्यक्ति, जैसे किस क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, IRS बनना चाहते हैं, या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, या लोहे के संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, या दुनिया में जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं, जन्म कुंडली में ये दर्शाया जा सकता है। जन्म कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो इसके लिए प्रॉपर आपको जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर जब तक आपकी पर्सनल जन्म कुंडली नहीं देखी जाएगी तब तक वो क्लियर नहीं किया जा सकता कि आपको किस क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहिए। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, आप मुझसे संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप किसी भी प्रकार की समस्या यदि मन में आपके चल रही हो, आप जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हो रहे हैं और आपको उसका हल ना मिल रहा हो, आप हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करके लिखिए और मुझे अपनी समस्या के बारे में बताइए, ताकि मैं उस समस्या पर आज नहीं तो कल वीडियो बना करके आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश कर सकूँ, जिससे आपकी समस्या दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।